अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पे आज ट्रेवल व्लॉग बनेगा इंशाल्लाह, आपके साथ हम शेयर करेंगे हमारी सब एक्सपीरियंस है। तो हम इस पत्र के रोला चक्कर चक्कर घूम के आ जाते हैं। तो ये हमारा पहला स्टॉप था, तो हम जिस तरह के पता है कि TMCA में तकरीबन 90% पॉपुलेशन है ना, वो धीरे, तो आज हम धीर आ चुके हैं और इंशाल्लाह धीर को कुछ एक्सप्लोर करेंगे। ये जगह धीर बाज़ार से 10-15 मिनट के फासले पे ये हुजरा रेस्टोरेंट के नाम से एक जगह जिसके साथ खूबसूरत रिवर व्यू है। जाएंगे सम्राट की तरफ, तो हमारे साथ रहेगा और ब्लॉक एंड तक देखेगा। अगली सुबह हमने एक लैंड क्रूजर रेंट पे लिया और कुमराट के लिए रवाना हो गए। अच्छा, तो अब हम कुमराट वैली की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ते में यहाँ पे एक खूबसूरत सा सीन बना हुआ है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रुक गए। रास्ते के बीच बीच में चाय का अपना सेशन भी चलता था और चूंकि हवा तेज थी तो हम चाय गाड़ी में ही बनाते थे। यार यहाँ पे इस पानी के बहाव को चेक करें यार, काफ़ी खौफनाक मंजर ये दे रहे हैं। तल बाज़ार में मौजूद ये कदीम मस्जिद है जो कि मुकम्मल लकड़ी से बना हुआ है। इस मस्जिद की हर एक चीज़ लकड़ी से बनी हुई है। इसकी दीवारें, इसके पिलर्स और इसका डेकोरेशन वगैरह सब कुछ दियार लकड़ी से बना हुआ है। इस कदीम मस्जिद की तारीख इफ्तिताह 1953 है। मस्जिद का जो ऊपर फ्लोर है जो कि अभी नया बन रहा है, उससे ये व्यू आपको मिल सकता है कि जो कि काफ़ी खूबसूरत व्यू है। तल में जो हमारा स्टे था वो इस होटल में था और ये होटल से जो व्यू था वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत व्यू दे रहा है ये होटल से। अगली सुबह हमारा प्लान था कुमराट वाटरफॉल एंड और काला चश्मा। जा रहे हैं यहाँ पे लोकल से कहते हैं काला चश्मा और पश्तो में से कहते हैं तोरे वो, तो अभी उसके ये वे ये चेक कर रहे थे। अभी हम छत के ऊपर बैठे हुए हैं। मस्त माहौल है, मस्त यार ये फिट माहौल है। और यार ये सीन्स आपको हम दिखाते हैं, सीन चेक करें। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे कुमराट वाटरफॉल आ चुके हैं। यहाँ तक तकरीबन तो यहाँ पे अभी तक गाड़ी का रास्ता था, इसके बाद अभी पैदल रास्ता है ना, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। वाटरफॉल तो भूज गया, दैट नजर से वक्स दादा अल्फा दई हुई थी बस।
ماهو بوتو بريدي مونغو بكلام بوبا हम ये पैदल रास्ता चल रहे हैं, बीच में यहाँ पे छोटे छोटे हट जहाँ पे ये लोग जूस वगैरह बेचते रहते हैं, ये काफ़ी फिट होते हैं क्योंकि इससे शुगर लेवल बरकरार रहते हैं। ये वाटरफॉल चेक करने यार, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी डिज्नी वर्ल्ड का कोई एनिमेटेड पिक्चर है, लेकिन ये हकीकत है। कोमराट वैली यार अब तक जो मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। यार इस हफ्ता के नज़दीक जो है फिट हुआ है ना, फिट ने पानी क्या होता हो यार, बहुत बहुत ठंड है यार, बहुत बिल्कुल नेचुरल फीलिंग है, बेस्ट है यार। लेकिन कभी ठंडा पानी नहीं नहीं यार, बहुत ठंडी हो, देख लेते हैं हम क्या कर पाते हैं। बोले बोले हम काला काला पानी के काले चश्मे कुछ इस तरह से नितोर वो उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ जो रास्ता है ना वो काफ़ी खूबसूरत रास्ता है, बिल्कुल बिटवीन द माउंटेन्स है और लश ग्रीन वैलीज है। हम किताबों में पढ़ते थे ना कि बिटवीन द माउंटेन्स आर लश ग्रीन वैलीज एंड स्ट्रीम ऑफ वाटर इस फाइन ईयर बाय, सो एग्जैक्टली वही सीन है। मौसम भी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हम कभी इंजॉय कर रहे हैं ना, शाम एक्सपीरियंस शेयर करें। और सफ़र यार अगर वो किताबों में पढ़ते हैं ना जन्नत है, जन्नत ही पहाड़ों में वो हकीकत में है। बस अभी तक तो यहाँ की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है यहाँ पे शोर शराबा नहीं है और गर्द वगैरह कुछ भी नहीं है, गंद वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन इन्वायरमेंट। अगर आपके पास जीप या वेगो टाइप की कोई गाड़ी है तो अंदर बैठ के वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि आप ऊपर बैठ कर एक खूबसूरत नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। फाइनली अब हम काला चश्मा पहुंच चुके हैं, अब आपको दिखाते हैं। इस चश्मे का पानी तो वैसे है सफ़ेदी है, लेकिन यहाँ पे जो नीचे पत्थर है ना वो काले हैं, तो इस वजह से वो काला पड़ जाता है। तो ये रहा काला चश्मा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका पानी इतना भी काला नहीं है जितना कि ये लोग कह रहे हैं ना, लेकिन बस ये नाम पड़ गया इसका, तो अभी इसी नाम से मशहूर है, क्योंकि ये इन ऊपर पहाड़ियों से होके नीचे आता है, ये काफ़ी ऊंचे पहाड़ है। इस इलाके में चाय का सिस्टम खुद करें, क्योंकि हर जगह आपको चाय मिलेगी भी नहीं और आपको एक आज़ादी हुई जहाँ पे भी गाड़ी रुक जाए बस वहाँ पर अपनी चाय बैठा ले, काफ़ी मज़ा करता है।
अच्छा जी, तो बस वहाँ से वापसी हो गई है। अभी रास्ते में हम यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ पे खाना शाना खाएंगे, फिर इसके बाद फिर हमारी मंजिल दीर होगी। अगर तो आप फैमिली के साथ हैं तो होटल में स्टे करें, अगर आप दोस्तों के साथ हैं सारे लड़के वगैरह हैं तो फिर आपको इन हट्स में भी काफ़ी फिट जगह मिल जाएगी, क्योंकि ये हट्स बिल्कुल जंगल के बीच में है और आप एक खूबसूरत एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।